हेलो फ्रेंड, स्टडी मेक शॉर्ट में आपका स्वागत है। पेश आए हम आपके पास वीकली करेंट अफेयर के साथ, जो 12 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर को कवर किए हुए हैं। जिससे कि आप सबको पता है, ये वन लाइनर करेंट अफेयर है जो सारे एग्जाम के लिए है, जो भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है इन सबको कवर करता है। और इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और आपके पास कोई क्यूरी और सजेशन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आपका अपना ये करंट अफेयर। जम्मू कश्मीर, हर परिवार को मिलेगा यूनिक आईडी, ये सिक्योरिटी पर्पज को लेकर वहाँ के हर परिवार में दिया जाएगा यूनिक आईडी कार्ड। और हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ लिया है, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। बिहार के सभी जिलों में वर्षा जल बचाने के लिए खुलेगा जल शक्ति केंद्र। और अगला हमारा है, अमेरिका ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की, जो असीमित स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। ये आर्टिफिशियल सूर्य होगा, जो कि कई सालों तक हमें प्रकाश देता रहेगा। G7 समृद्ध और औद्योगिक राष्ट्रों ने समूह ने वियतनाम को 15.5 बिलियन डॉलर प्रदान करने के लिए समझौते को मंजूरी दी है। और 2022 में वैश्विक व्यापार 32 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा संयुक्त राष्ट्र। तेलंगाना के तंदूर रेडग्राम और लद्दाख की खुबानी को मिला GI टैग। और अगला है हमारा, सिंडी डुक को 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के CEO के रूप में नामित किया गया। टीवी क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु मेघालय को पुरस्कृत किया गया। वन विभाग में केरल प्रोजेक्ट वनीकरण लॉन्च किया गया। भोपाल में आयोजित होगा 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। अगला हमारा, तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम की प्रतिभा का अनावरण किया। जो रूट टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए न्यू इंडिया लिटरेंसी प्रोग्राम के लिए 1,037.90 करोड़ रुपए आवंटित किए। ये न्यू इंडिया लिटरेंसी प्रोग्राम है जिसके लिए सरकार ने अमाउंट को अलॉट किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है 2031 तक 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र आरंभ किए जाएंगे। अगला हमारा, फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े की मेजबानी करेगा। ईरान को पीछे छोड़ रूस पहली बार बना भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता। ADBI एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 7% अपरिवर्तित रखा, जो कि पहले भी ये कर चुका है, 7% अभी भी इतना ही है। अगला है भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 मेघालय के उमरोई में शुरू किया जाएगा। HDFC बैंक ने परिवर्तन स्टार्टअप ग्राउंड्स के लिए स्टार्टअप इंडिया के साथ साझेदारी की। भारतीय फिल्म RRR जो कि साउथ की है, 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए। स्पाइस जेट को GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इसरो ने हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल परीक्षण किया। UIDAI जो कि आधार से रिलेटेड है, नंबर मिला था 4th महीने शिकायत निवारण सूचकांक में सबसे ऊपर रहा। नैनीताल बैंक ने अपने अधिकांश हिस्सेदारी बेचेगा बैंक ऑफ बड़ौदा को। SBI ने 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नामित किया। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। टोक्यो में 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ 2025 के बाद जितने भी घर बनेंगे उसके ऊपर में सोलर पैनल को लगाना कंपल्सरी रहेगा। भारत में अग्निन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। नमामि गंगे संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया। Airbnb ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोवा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। 65वें
राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या टीएस ने स्वर्ण पदक जीता। 16 दिसंबर को बांग्लादेश मुक्त संग्राम की विजय को चिन्हित करने के लिए भारत में विजय दिवस मनाया गया और 17 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71वीं जयंती मनाई गई। हमारा ये आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।